वन रक्षक स्वाति ढुमने को ताड़ोबा प्रबंधन निधि श्रद्धांजलि। भाव विभोर माहौल में अधिकारियों ने कहा, साहस से काम लेने की जरूरत है। वन विभाग व सरकार मृतक के परिजनों के साथ खड़े होने का दावा भी किया गया। ताड़ोबा में व्याघ्र गणना के दौरान कर्तव्य पर वन शहीद होने वाली स्वाति ढुमने को ताड़ोबा प्रबंधन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ताड़ोबा के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रामगावकर, चंद्रपुर वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक NR प्रवीण, दिवंगत वन रक्षक स्वाति के पति, बेटी तथा वन विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। माल्यार्पण व मोमबत्ती जलाने के बाद दिवंगत वन शहीद स्वाति की प्रतिमा को पुष्प चक्र अर्पित किया गया। बाद में सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वन विभाग की ओर से सलामी दी गई। इस बीच सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 20 नवंबर को कर्तव्य दौरान ही वन रक्षक स्वाति शहीद हुई थी। सरकार उसके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, साथ ही वन विभाग भी अपनी जवाबदेही निभाएगा, ऐसी जानकारी ताड़ोबा के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रामगावकर ने दी। उन्होंने कहा, कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम उपस्थित हो तो एक अतिशय दुखद घटनेचा परिणाम आहे। आपल्या परिवारातील सदस्य श्रीमती स्वाती ढुमने दिनांक 20 रोजी आपल्या कर्तव्यावर असताना आणि अखिल भारतीय व्याघ्र प्रबंधनाच्या कामाचा पहिला दिवस आणि ते काम करत असतानाच अचानकपणे झालेल्या हल्ल्यामध्ये त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण अतिशय जोखमीचं काम क्षेत्रीय कर्मचारी वनामध्ये करत असतो आणि संपूर्ण देशामध्ये वन कर्मचारी ऑन फूट पायदळी अनेक काम करतो आणि आपल्या संपूर्ण परिसरामध्येच केवळ व्याघ्र प्रकल्पामध्येच नव्हे तर इतर सर्व क्षेत्रीय विभागांमध्ये सुद्धा अतिशय इंटेन्सिव्ह असं काम आपण सर्वजण करत असतो आणि अशातच अशा प्रकारची घटना झाल्यामुळे सर्वांचा एक धक्का बसणे आणि मनोबलाला धक्का बसणे अतिशय स्वाभाविक आहे। आपल्याला सर्वांसाठी जरी हा धक्का असला तरी याच्यातून सावरणे आणि जे चॅलेंज आपल्यासमोर आहे त्याला पार करण्यासाठी आणि जे काही उपाययोजना संरक्षणाच्या दृष्टीने करायच्या आहेत त्या करून अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यावर मात करण्यासाठी आपण सर्व इथे आहोत। शासनाच्या वतीने, वन विभागाच्या वतीने आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आपण या बाबतीमध्ये एक नवीन दिशा देण्याचा आणि आपल्या कामाला एक नवीन दिशा देण्याचा, नवीन स्टँडर्ड ठरवण्याचा, जेणेकरून वनामध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा जे सुरक्षा आहे त्याला प्राथमिकता देऊन वन विभाग की ओर से वनरक्षक स्वाती की बेटी की ग्रेजुएशन तक की जिम्मेदारी ली जाएगी, ऐसी जानकारी चंद्रपुर वनवृत्त के वन संरक्षक NR प्रवीण ने दी। उन्होंने बताया, और मैं यही आप सबको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि वन विभाग उसके कुटुंब के साथ है और बहुत सारे लोगों ने वो जो छोटी लड़की है, बेटी है ढूंढने का, उसका लड़के को उनका ग्रेजुएशन होने तक, उनका एक जिंदगी बनने तक उनके साथ रहने वाले हैं। आप चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा वन विभाग, पूरा महाराष्ट्र शासन उनके साथ रहेगा, वो उनके जो बेटी है उनका एक लाइफ बनने का। इस समय वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर संपूर्ण वातावरण भावुक हो गया था।